द ऑल न्यू रॉयल इनफील्ड हिमालयन। विगो पार्टी शुरू हुई है। बिना क्लच के ब्रेक लग रहे हैं, अफ्रीका ट्विन चला रहा है भाई। कारीगरी जो करी गई है ना, नकाशी इसकी, ओए बड़े महंगे शिल्पकारों से करवाई गई है। और नेगेटिविटी को तो दो लात, ऐसी ना जाने कैसी। राइडर्स पहुंच चुके हैं भांगर फोर्ट में। चुड़ैल फ्राई खाएंगे आज, देखना। जी पवार ब्रदर्स फिर निकल चुके हैं तारों की छाव में एक बार फिर अपनी राइड पे। और ना तो इस बार जुगनी है ना तो नंदी है। इस बार नया खिलौना भेजा है हमें स्पेशली रॉयल इनफील्ड दुआ मोटर्स की तरफ से। और जो आज की राइड है, राइड टू भानगढ़, ये भी उन्हीं की तरफ से स्पॉन्सर्ड है। जुड़े रहिए, जरा आपने गाड़ी पे तो खूब देखा होगा हमें बैठे बैठे, और जरा आप दिखाते हो जरा बाइक पे, जरा तू ही हमारी कैसे जवाब दे पाती है नहीं दे पाती, देखते जरा उसके साक्षी आप खुद बनिएगा। तो भाइयों, निकल गए हैं हम अपनी पहली ऑफिशियल लॉन्ग राइड पे, जो कि यहाँ से सीधे जाने वाली है भानगढ़, द मोस्ट हॉन्टेड ही है शायद, वैसे वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड तो है ही। और हाँ, इस राइड पे हमारे साथ, जैसे कि आप सभी को भी बताया हमने, हमारे साथ है द ऑल न्यू रॉयल इनफील्ड हिमालयन। तो भाई, मैंने कल थोड़ी देर चलाया है इसको, ज्यादा तो नहीं, 10-12 किलोमीटर चलाया होगा। उसका जो एक्सपीरियंस रहा है वो ये रहा है, वॉट आ मशीन, मतलब मोर ओवर सस्पेंशन के मामले में कोई जवाब नहीं, कोई तोड़ नहीं। तो निकल गए हैं यहाँ से, पहुंचते असेंबली पॉइंट पे और फिर मिलते हैं लोगों से। लेट हो गए हैं, बाइक राइडिंग मामले में अनाड़ी हैं, अनाड़ी तो नहीं है बट हाँ, 2013-14 तक हमने राइडिंग करी है, ऑलमोस्ट 10 साल हो गए होंगे। उसके बाद ये अब हमारा मतलब ऑफिशियल और अनऑफिशियल दोनों ही लॉन्ग ट्रिप पहला है। राइड शुरू भी नहीं हुई और बारिश हो गई। मेरे को दिक्कत ये हो रही है कि रेल लाइनर मेरे पे तो एक है, अब वो रेल लाइनर हम खुद पे डाले या बैग पे डाले या कैसे मैनेज करें। सो फार नॉट सो गुड, बट यस, कुछ तो अलग होना चाहिए ना। और अब पड़ रही है मोटी मोटी बूंदे। तो भाई, असेंबली पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, बारिश हो रही है एकदम स्टार्ट। यहाँ से पूरा बैग पैक करके सब आए और यहाँ तक कि रेनकोट भी लेकर आए हम, तो भाई यूं उठ के सीधा चले। बारिश हो रही है लेकिन हम रुकने वाले नहीं है। तो भाई, ये राइड शुरू करने से पहले एक डिक्लेरेशन फॉर्म है जो कि फिल करना है हमें सबको, सारे राइडर्स को करना है कि यस, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट इज हैपनिंग इन दिस रोड ट्रिप और एनीथिंग एल्स। और ये भी भैया ने बताया कि अपनी नंदी का नाम सुन के ये भी इंस्पायर्ड हुए और इन्होंने भी अपने लाल परिंदे का नाम रख दिया जटायू। और फर्स्ट टाइम ही बाइक की इतनी लंबी राइड होगी, खैर मेरी तो रोहित भी शायद तुम्हें और तरुण ने मिलकर करी थी। मैंने तो करी हुई है, मेरे तो फर्स्ट टाइम ही है। चलो देखते जरा बैठने का टास्क, देखे बाइक पे कैसा, गाड़ी पे तो खूब बैठे हैं, बाइक वाला देखते हैं। हाँ, जो अभी मैं यहाँ तक आया हूँ ना, जो एमबीएस मॉल तक आया हूँ, तो मतलब कंफर्ट एकदम लगा हुआ है, बढ़िया मजा से आया है। मंडी पे पीछे वाले की थोड़ी हालत हो जाती है। अरे भाई साहब, उसकी तो बस पूछो मत, पर ट्राई उसमें। अरे भाई साहब, तुम्हें सुझगी सामान है ही नहीं ऐसा हो रहा। सुन सामान सुन। धीरे चलते जा रहे हैं और अभी पहुंचेंगे हम ओल्ड राव, यहाँ पे होगा हमारा ब्रेकफास्ट। तो लाइन अप फॉर्मेशन में चल रहे हैं, आप देख रहे हो सारे, नरेन भाई के पीछे सुनील जी, फिर उसके बाद अभिषेक जी, फिर हम, और ये पीछे वाले भाई हमारे आए हुए हैं दो, राइड विद डेविल्स, उनके हेलमेट चेक करना जरा, वाकई में डेविल है। तो वही लगे हाथ, साथ साथ गाड़ी की भी बात कर लेते हैं। तो गाड़ी यहाँ जब हम चला रहे हैं रॉयल इनफील्ड हिमालयन, और भाई साहब नाम तो इसका, मतलब इसके जो कलर्स के नाम है वो पूरे हिमालय रेंज के ऊपर रखे हुए हैं, लाइक कॉस्मिक ब्लैक, हाले ब्लैक, कॉमिक, अलग अलग, वो मैं अभी आपको और डिटेल में बताऊंगा क्या क्या कलर हैं, कौन कौन से हैं, हमारा कौन सा कलर है। ये हमारे पहले मोटो व्लॉग में यहाँ जो ये टोल ना देने की खुशी जो उस दिन मुझे प्राप्त हुई थी, आज दोबारा होने वाली है। ये देखो, हम ये यूं निकल गए, श्यू कर गए, श्यू। और ये आया प्रो राइडर, तू जा भाई तू जा। एक हाथ में इसके शिखर, बिना क्लच के ब्रेक लग रहे हैं, अफ्रीका ट्विन चला रहा है भाई। और ये इस हाईवे पे ना ट्रकों का जो ये जमावड़ा लगता है,
भाई सब ये खत्म नहीं होता। और जबकि जो अपना एक्सप्रेस वे है बॉम्बे वाला वो भी शुरू हो गया है, फिर भी पता नहीं है, उसमें टोल मेरे ख्याल से ज्यादा है, इसीलिए ये यही रूट प्रेफर करते हैं। और हम तो अलाउड है ही नहीं उस टोल पे, मतलब टू व्हीलर्स, तो इसीलिए हम भी यही रोड यूज कर रहे हैं। तो गाइस आप पहुंच चुके थे ओल्ड राव होटल जिम्बा। सुबह का यार भूखा चला छे 4 बजे का, अब थोड़ा पराठा जी मांगा, अब जा ठूसा ना कुछ ना कुछ, पराठे कम खमीरी ज्यादा लग रही है। तो भाई ऐसा सा है लाइनअप और ऐसा सा है मौसम, घनन। तो देख रहे हैं विंडशटर जो रेन कवर है मेरे पे एक है, देख रहे हैं हन्नी के लिए पूछा था मैंने, मैंने कहा यहाँ दुकान है अगर उसके, ये ओल्ड राव का जो है ये पीछे ये यहाँ पे बढ़िया बंद है, ये आपका खुलेगा 11 बजे। तो देखते हैं अगर आगे कोई शॉप ऑफ मिलेगी तो वहाँ से रेन कवर ले लेते हैं, नहीं तो चलते हैं। कोई नहीं, आज ऐसे ही देखते हुए चलेंगे और इसका लुत्फ लेंगे, बचपन में गीले हुए ऐसे आज फिर दोबारा होंगे। और ये लेफ्ट कट हमने ले लिया है अलवर के लिए, तिजारा होते हुए ये अपना आगे निकलेगा। और ये बारिश फिर से शुरू हो गई है, ये रेनकोट पहनवा के ही मानेगी भाई आज, बट यार हन्नी पे नहीं है तो मेरे को टेंशन वो है। बहुत ही बढ़िया रोड बना दिया है वे, एकदम मक्खन। और भाई ये है हमारी हिमालयन 452 cc सिलेंड्रिक कॉन्फिगरेशन जिसे कहते हैं। तो हाँ इससे पहले जो आती थी वो 420 cc थी, वो जो BHP जनरेट करती थी वो थी अपनी ऑलमोस्ट अराउंड 30-32, और जो ये जो पावर जनरेट करती है भाई 37.75 BHP। और जो इसका टॉर्क है भाई साहब 5000 Nm के बाद में भाई साहब जो ये स्वाद देती है। हाँ कि कहीं अगर मान लो एडवेंचर बाइक है कहीं मड में या कहीं फंस गई तो बस आपने हल्का सा थ्रॉटल देना है, रेव करना है और ये यूं निकलेगी मक्खन की तरह। बहुत ही बेहतरीन कारीगरी, कई लोग मैंने पहले भी कई वीडियोस देखी हैं जिसमें कह रहे हैं कि भाई इतनी अच्छी बाइक निकाली है और इससे पहले जो हिमालयन थी तब इनके इंजीनियरों का दिमाग कहाँ गया था। अरे भाई गलतियों से ही तो सीखता है बंदा, उसमें कुछ कमी पेशी लगी तभी तो एडवांस और टेक्नोलॉजी एडवांस करी उन्होंने और नतीजा आपके सामने हिमालय 452। और ये बिल्कुल स्टॉक बाइक है, मतलब इसके अंदर ये आप सामने विंडशील्ड देख रहे हैं ये भी स्टॉक बाइक, ये स्टॉक बाइक का ही पार्ट है। जो इसके ये साइड के देख रहे हैं गार्ड ये भी स्टॉक बाइक का ही पार्ट है। तो बहुत ही मतलब कारीगरी जो करी गई है ना, नकाशी इसकी ओए, बड़े महंगे शिल्पकारों से करवाई गई है। तो अभी तक तो गाड़ी का तो ऑलमोस्ट आपको बता ही दिया, आगे देखते हैं बताते हैं थोड़ी देर में आपको इसके सस्पेंशन और शॉकर्स के बारे में। भैया आगे चल रहे हैं ना रेड वाली 650 पे, इन्होंने भी मोटो व्लॉगिंग सेटअप लगाया है, कहते भैया आपको देख के ही आपसे इंस्पायर होके लगाया है कि मैं चाहे डालूं नहीं उसको यूट्यूब वगैरह पे। मैंने कहा नहीं डालो ना, डालना क्यों नहीं है यार, ठीक है इंस्पायर हम भी होते हैं यार, हम भी मतलब 30 साल की उम्र हो गई है मेरी, 30 साल तक मैं इंस्पायर ही होता हूँ। किसी भी इंसान में पॉजिटिविटी हो ना उससे ले लो, वो मना भी करे ना कि हाँ मैं तुझे अपना ज्ञान नहीं दूंगा भेद नहीं दूंगा तो निकलवा लो, और नेगेटिविटी को तो 2 लाख ऐसी ना जाने कैसी। आप पॉजिटिव रहोगे आपके सामने या साथ में अगर कोई नेगेटिव बंदा भी है तो उसकी मजाल नहीं होगी आपसे नेगेटिव बात कर गए, तो बी पॉजिटिव। और मेरा ब्लड ग्रुप भी यही है बी पॉजिटिव। के बाद मैं उनसे आगे जो भैया जा रहे हैं ना उनका देखो ग्रुप राइडिंग में इतना अच्छा, मतलब उनका कॉन्सेंट्रेट इतना अच्छा है, वो अगर कोई आगे बड़ा गड्ढा भी आ रहा है ना तो वो बार बार इशारा कर रहे हैं कि हाँ मतलब राइट में आ रहा है तो राइट की तरफ, राइट हैंड से यू नीचे का इशारा कि हाँ यहाँ गड्ढा है, लेफ्ट में आ रहा है तो लेफ्ट हैंड से कि हाँ यहाँ गड्ढा है देखो देख के आओ। तो भाई ये होते हैं मतलब अच्छे राइडर, तो ये चीज़ इनसे हमने सीखी। ये इसको देख देख के आप हो गए बोर शायद, वैसे तो होते नहीं है, जो राइडर है शौक रखता है ना वो उसके लिए जो ये व्यू है वो दुनिया का बेस्ट व्यू है। तो डूंगर स्टार्ट हो गया, डूंगर तो राजस्थान में पहाड़ों को कहा जाता है डूंगर, ये देख रहे हो आप। तो भाई तुम्हारा भाई दोबारा बैठ चुका है गाड़ी के अंदर, तो मैं हूँ सुनील जुनेजा जी के साथ। 82 से 96 तक राइड की है, फिर बीच में थोड़ा गैप दे दिया और अब मतलब 4-5 साल से फिर दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं।
तो भाई एज इट्स अ डजंट मैटर, इट्स अ नंबर। आपने कह दिया एज इज जस्ट अ नंबर, दिल में जज्बा होना चाहिए। बस बस सर खुद अपनी बाइक ही राइड करते बट उनकी खराब हो गई, मतलब कुछ इशू आ गए थे, मतलब राइड कैंसिल नहीं करी सर ने, उन्होंने कहा कि नहीं मैं गाड़ी लूंगा, मैं गाड़ी के साथ साथ चलूंगा, लेकिन चलना है मुझे। और भाई जब अब हमने हन्नी को बैठा दिया है गाड़ी में, क्योंकि ये गाड़ी भी हमारे साथ चल रही है होंडा सिटी, भाई कुछ भी हो मतलब चलाना एक जगह एक तरफा है, विलन राइडर जो है वो तो कम्फर्टली नहीं बैठ सकते, रादर देन आप कोल्ड विंग में ना बैठे हो, होंडा कोल्ड विंग। और वापसी में हमें आज यहाँ अलवर तक आना ही है, क्योंकि जो आज कैंपिंग होने वाली है वो यहाँ अलवर में ही कहीं है। सेटलिंग चेक करो भाई, शाबाश स्वाद। अब जब इतने गड्ढे आ ही रहे हैं तो इसके सस्पेंशन की बात भी कर ही लेते हैं, मतलब मल्टी स्प्रीड ब्रेकर्स हैं जो कि छोटे मोटे गांव या शहर के एंट्रेंस पे और जो ज़्यादा क्राउड वाला एरिया होता है वहाँ पे लगाए जाते हैं, गाड़ियाँ जो हैं लिमिट में ही स्पीड में चले। तो हाँ सस्पेंशन जो आप इसके ये देख रहे हो TFT, जो कि ये भी पहली बार इस गाड़ी में यूज़ हुई है, रॉयल इनफील्ड ने पहली बार 4 इंची की TFT स्क्रीन अपनी किसी बाइक में दी है, तो ये भी बहुत अच्छा काम। और उसी के जस्ट नीचे आ जाओ आप तो आपको मिलते हैं शोवा के शॉकर्स। जी हाँ, शॉकर्स कंपनी के मामले में शोवा इज वन ऑफ द बेस्ट, और यही शॉकर आप अपनी नंदी के सुपर मीटियोर 650 में भी देख सकते हैं। तो शॉकर मेरे हिसाब से थोड़ा सा है स्टिफ, वो किस लिए, क्योंकि ये गाड़ी प्रॉपर बनी है ऑफ रोडिंग के लिए। तो हाँ ऑफ रोडिंग में आपको तभी मज़ा आएगा जब हल्के से शॉकर हो स्टिफ, और आप ऐसे ये कितने ही मल्टी स्पीड ब्रेकर को टूई टूई करते हुए सीधे जंपिंग जैक करते हुए बाहर। और जो पीछे का शॉकर है वो भी मेरे हिसाब से रॉयल इनफील्ड ने पहली बार अपनी किसी बाइक में मोनो सस्पेंशन दिया है। मोनो सस्पेंशन क्या होता है वो मैं अब आपको बता देता हूँ। नॉर्मल बाइक में हमारे देखते हो आप दो जगह पीछे शॉकर होते हैं, एक लेफ्ट में राइट में जैसे कि आगे, बट इस गाड़ी में बिल्कुल सेंटर पे दिया गया है एक सस्पेंशन जिसको हम कहते हैं मोनो शॉकर, मोनो सस्पेंशन। तो हाँ उसकी भी भाई साहब मतलब काबिले तारीफ, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस, कोई गड्ढा कोई मतलब फील ही नहीं हो रहा है। अगर मैं ये यहाँ मान लो अगर यहाँ ऑफ रोडिंग नीचे उतारता हूँ तो और उतार के ऊपर चढ़ता हूँ तो मेरे को फील नहीं होगा, जैसे लग्जरी गाड़ियों में होता है ना कि हाँ आपके सस्पेंशन ही काम कर जाते हैं अंदर बैठे बंदे को पता नहीं चलता। तो भाई साहब ये काम करा है इन्होंने बहुत ही बढ़िया सस्पेंशन के मामले में। मेरे हिसाब से 8 out of 10, हाँ 10 भी कह सकते हो अगर आप इसको पहले उससे देखो कि हाँ मतलब रॉयल इनफील्ड ने अगर इतना बेहतरीन काम करा है तो उस हिसाब से ये 10 out of 10। और लूज़ और टाइट भी हो जाते हैं, ये ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं, लूज़ भी हो जाते हैं टाइट भी हो जाते हैं, वो आपकी राइडिंग स्टाइल के ऊपर आपके हिसाब से भी आप इनको एडजस्ट कर सकते हैं। 160 किलोमीटर या 165 आ गया, मैं ट्रिप ज़ीरो करना भूल गया था, एक्चुअली कर तो रहा था पर मेरे को मिला नहीं इसका ज़ीरो का हिसाब किताब कि कहाँ से ट्रिप ज़ीरो करे। राइडिंग पोजीशन जो है वो भी एकदम परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट, मतलब सिटिंग पोस्चर जो है आपका बहुत ही परफेक्ट, और सीट का जो कंफर्ट है वो भी बहुत अच्छा है। 160 किलोमीटर बाइक वन वे में मैंने अब पता नहीं कितने साल बाद चलाई है। ये देखो बच्चे कैसे खुश हो जाते हैं ना, गाड़ी में से बाय बाय कर रहे हैं, उसकी मम्मी भी कर रही थी, और मतलब मेरा जो मन कर रहा है अब इसको बैठ के चलाने का तो कर ही नहीं रहा है, मेरा मन कर रहा है बस सैडलिंग करता रहूँ इसको। सैडलिंग मीन्स मतलब खड़े होके गड्ढों में, जब ज़्यादा आप अप एंड डाउन वाले एरिया में जाते हो तो वहाँ पे आपको खड़े होके चलानी पड़ती है, मतलब वो प्रो लेवल वाली राइडिंग हो गई, हम अभी थोड़े से कच्चे वाले हैं। बड़ा मन वही कर रहा है, मनाली स्पीति के पहाड़ तो बहुत देख लिए, अब ये थोड़े से पहाड़ यहाँ के भी देख लो आप, राजस्थान। हाँ जी गुड टू गो, और ये कैमरा एंगल जो कर दिया है हमने चेंज, आई होप आप सभी को ये एंगल भी देख के मजा आ जाएगा।
अब बात करते हैं इसके गियर शिफ्टिंग की। क्लच के साथ अगर आप गियर को हल्का सा शिफ्ट करो तो बिल्कुल ऐसे मक्खन की तरह शिफ्ट होता है। हाँ, जो ट्रैवल है गियर का वो थोड़ा सा ऊपर जाके आ रहा है। क्यों? क्योंकि नॉर्मली जैसे मेरे को आदत है, हमारी जो क्लासिक मैंने चलाई अपनी, उसके बाद में सुपर मिट्योर चलाई, तो उसके जो गियर पैडल है वो दोनों तरफ वाले हैं, आगे भी और पीछे भी। इसका जो है वो सिंगल लीवर है, तो सिंगल लीवर होने की वजह से जो आपका गियर जो लगता है वो आपके पूरे पंजे को नॉब के, गियर नॉब के नीचे ले जाके और फिर उसको ऊपर ट्रैवल करना होता है। तो वो ट्रैवल जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, बट बाकी जो शिफ्टिंग है वो परफेक्ट है एकदम। फिर चाहे वो गियर अप ले लो, गियर डाउन ले लो, बहुत परफेक्ट के मामले में भी अच्छा काम रॉयल एनफील्ड। इसको हम देंगे 7 out of 10 गियर शिफ्टिंग। ये भाई नरेन भाई को पता नहीं क्या ऑफ रोडिंग सूची है। येलो 5 मिनट के ब्रेक के लिए भी रुके हैं और सबो का अपना अपना फोटो सेशन स्टार्ट कर दिया है। 32 एटम अपना हर जगह जगह पे छेपे हैं। यहाँ पे ना जहाँ पैर रखा था एकदम चपाक, वो कहता ना एक मछली पानी में चपाक। मई जून में जितना बढ़िया मौसम था, कैडी धूप निकली हुई एकदम करारी। चश्मा दे दियो भाई मेरे को। हाँ, चुम आ गया मेरी आँखें। और कहाँ के रहने वाले हो आप? तलाव। तो हम अंकल अब जा रहे हैं भानगढ़, जो जहाँ भूत रहते हैं। तो उसके बारे में आपको कुछ पता है? भूतों के इलाके में क्या भूत है वहाँ पर? भूत तो मालूम कौन भूत ही है जिन... चुड़ेल चुड़ेल है, चुड़ेल चुड़ेल रहेगी। चुड़ेल आवाज आती है। मैं कहीं गयो भी देखवा उनको नहीं आवाज। चलो ठीक है, आज चुड़ेल ही पकड़ के लाएंगे। चुड़ेल को पकड़ के लाओ, आज लेकर आएंगे। कोई नहीं, चलो चलो चलो, मैं ले लूंगा। आते रहो आते रहो। भाई मेरा एक ग्लव्स जो है वो पता नहीं एक गिरा था, वो तो उठा लिया। अब दूसरा पता नहीं कौन से भाई के गाड़ी पे टका हुआ है कहीं। तो अब आप सीधे भानगढ़ी रुकेंगे, तब रुक के और फिर देखते हैं किसके पास है। कि भली लिया भाई 1700 रुपये के। देखते ही देखते पहुंच गए हैं भानगढ़, और भानगढ़ किला यहाँ से है ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर। तो वहाँ चलते हैं, वहाँ जाके और दिखाते हैं क्या है भानगढ़। वाई इज भानगढ़ इज मोस्ट हॉन्टेड प्लेस इन इंडिया। और ये नरेन भाई पर्ची कटा रहे हैं, पर्ची कितने की कटती है पूछ के बता दूंगा मैं या लिख दूंगा यहाँ पे। तो भाई भानगढ़ से हमने ले लिया है यू टर्न, क्योंकि आप सबको तो पता ही है पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। भाई टाइम हो रहा है दिन के 1:15, राइडर्स पहुंच चुके हैं भानगढ़ फोर्ट में। तो ठीक है, मजा तो आया भाई, हालत से पता लग ही रहा होगा राइड करना ईजी नहीं है, काफी टफ है। अब जैसे कि मैंने भी तो जैकेट उतारी थी, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। और जैसे पहले हम राइडर्स के रिएक्शन चेक करते थे, जब हम गाड़ी में होते देखते थे, अरे वो देखो रहे वो जा रहे राइडर्स वो जा रहे। अब आज हमें अच्छा लग रहा है कि जब हमें गाड़ी वाले बंदे देख रहे हैं, घूम घूम के देख रहे हैं कि अरे राइडर्स जा रहे राइडर्स जा रहे। तो बड़ी अच्छी सी फील आ रही है और बढ़िया है, मज़ा भी आ रहा है। फर्स्ट टाइम मेरा तो एक्सपीरियंस है जो कि खूब बढ़िया है। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। सब अंदर भागे टूट रहे खाने को, ऐसे भागे टूटने को, भूख लग रही है सबको। तो अपन भी चलते हैं जरा और दिखाते हैं भी आपको जरा हॉन्टेड प्लेस में क्या है। आज चुड़ैल फ्राई खाएंगे, आज देखना आप।